हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कोल इंडिया कंपनी की डिटेल, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि हम यहां देखते हैं, इस कंपनी की शेयर प्राइस 197 रुपये है और एक दिन में 0.58% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 6% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए पिछले 6 दिन में। एक महीनों की बात करें, 6% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीनों में 32% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल में 26% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 24% के नेगेटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 43% के नेगेटिव रिटर्न दिए। ऑल ओवर इस स्टॉक ने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न दिए, बट अभी ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो बात कर लेते हैं कंपनीज के चार्ट पैटर्न पर, फिर हम बात करेंगे कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पर आप देखते हो, ऑलमोस्ट 200 रुपए का स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिली। 142 के बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। 200 रुपए का लेवल एक साइकोलॉजी लेवल है। अगर ये 200 रुपए के लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो ऑल ओवर इस स्टॉक में काफी तेजी हमें देखने को मिलेगी। अगर हम यहां देखें तो 200 रुपए का साइकोलॉजी लेवल है और काफ़ी टाइम से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। अगर ये 200 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है 200 रुपये का और 216 रुपये, 215 रुपये का। 215 रुपये, 200 रुपये का एक साइकोलॉजी लेवल है। जैसे कि पिछली बार जब गिरावट हुई थी तो यही सपोर्ट बना, वापस बाउंस बैक किया और जैसे ही इसने यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया तो स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अगर ये स्टॉक यहाँ से 210 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऑल ओवर इसका जो टारगेट होगा, ऑल ओवर काफ़ी हमें देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक 263-270 रुपए तक भी जा सकता है। मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी ऑल ओवर काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा, होल्ड रखना होगा, क्योंकि इस स्टॉक में अगर 200 रुपए का लेवल ब्रेकआउट होगा तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक में कंटिन्यू तेजी देखने को मिलेगी। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, अभी 183 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। अगर आप पोजिशनल एंट्री लेना चाहते हो तो 183 रुपी के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में एंटर कर सकते हो। अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के, तो ये जो कंपनी है कोल इंडिया कंपनी, द ऑपरेट कोल वाइशिंग में काम कर रही है और मेन जो इसका बिजनेस है, सेक्टर इंक्लूडेड सीमेंट, फर्टिलाइजर, ब्रिक्स और किन सेक्टर्स में ये कंपनी काम कर रही है। ऑल ओवर काफ़ी अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1,21,406 करोड़ का। स्टॉक का लो 133 रुपये, स्टॉक का हाई 209 रुपये, स्टॉक का पी 6.99, बुक वैल्यू 70 रुपये। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, 8% का कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दे रही है। आरओसी भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिला, 54%। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले, 4558 करोड़ से 6600 करोड़ के, यानी कंपनीज के हर क्वार्टर के प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट्स भी काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले, 12,000 करोड़ से 17,000 करोड़ का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के बाद। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स भी कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले, 30,000 करोड़ से 36,900 करोड़ का रिजर्व्स देखने को मिला। बोरिंग्स कंपनी कंटिन्यू कम कर रही है, आप देख सकते हो 6,400 करोड़ से कंपनी ने अभी अपना बोरिंग्स आधा कर लिया, यानी 3,500 करोड़ देखने को मिला है। यानी कंपनीज के जो फंडामेंटल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिले हैं। अगर बात करें बीएससी पर, कंपनी ने कब डिविडेंड बोनस दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हाल में ही कंपनीज ने डिविडेंड दिया है। वो डिविडेंड का अमाउंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ कॉर्पोरेट एक्शंस पे अगर हम देखते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस के डिटेल्स देखें, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कंपनीज ने कब डिविडेंड दिया है। कंपनी ने 2022 में 5 रुपये का डिविडेंड दिया, 21 में 3 बार डिविडेंड दिया है, 9 रुपये, 3.5 रुपये और 5 रुपये का। 20 में भी कंटिन्यू यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देती आ रही है। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को डिविडेंड के लिए खरीदते हो तो भी आपको काफ़ी अच्छे डिविडेंड देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस स्टॉक में एंटर करते हो तो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, यानी डबल प्रॉफिट होगा इस कंपनी को खरीदने का। तो क्या आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं? नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर।